जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज फाइनली मेरे दोस्त बहुत गुड न्यूज़ है, और फोटोग्राफर लोगों के लिए, वीडियोग्राफर लोगों के लिए, उन लोग के लिए बहुत गुड न्यूज़ है कि फाइनली मेरे दोस्त फ्यूजी फिल्म ने अनाउंस कर दिया और लॉन्च भी कर दिया अपना न्यू कैमरा XT50 को। और मेरे दोस्त काफ़ी अच्छा कैमरा है, इसी के बारे में जानेंगे मेरे दोस्त वीडियो के डिटेल में। एक कैमरा किसके लिए बेहतर रहेगा, फोटोग्राफर लोगों के लिए लेना चाहिए या फिर वीडियोग्राफर लोगों के लिए लेना चाहिए, ये सब मेरे दोस्त वीडियो के डिटेल में आपको मालूम पड़ ही जाएगा। तो ज़रूर वीडियो को लास्ट तक देखो मेरे दोस्त, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, आप पहले चैनल सब्सक्राइब कर दो, वीडियो देखो लास्ट तक। यदि आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ ज़रूर चैनल सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस चैनल पर आपको ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो और भी आगे मिलते रहेंगे। फिर चलिए मेरे दोस्त, फिर वीडियो को बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस कैमरा की मेगा पिक्सल से तो इसके अंदर आपको 40.2 मेगा पिक्सल देखने को मिलता है, और BSI सीमो सेंसर इस कैमरा के अंदर देखने को मिलेगा मेरे दोस्त, जो काफ़ी अच्छा कैमरा का फोटोग्राफी के लिए, जो इसका इमेज क्वालिटी है वेरी नाइस है मेरे दोस्त। कैमरा के अंदर मेरे दोस्त फ्यूजी फिल्म का X प्रोसेसर 5 देखने को मिलेगा, जो काफ़ी फास्ट प्रोसेसर है मेरे दोस्त। और इस कैमरा के अंदर आपको 3 इंच का डिस्प्ले टच स्क्रीन देखने को मिलेगा। हालांकि मेरे दोस्त 360 डिग्री रोटेट स्क्रीन नहीं है, पर फिर भी मेरे दोस्त आप स्क्रीन को ऊपर नीचे कर सकते हो। हालांकि ये वीडियोग्राफी लोगों के लिए और कंटेंट क्रिएटर के लिए, ब्लॉगर्स के लिए ये सब थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा इस कैमरा में स्क्रीन को लेकर, पर फिर भी मेरे दोस्त फोटोग्राफर लोगों के लिए कोई दिक्कत नहीं होगा। और इस कैमरा के फोकस पॉइंट की बात की जाए मेरे दोस्त, तो इसके अंदर आपको 425 फोकस पॉइंट देखने मिलता है। हालांकि मेरे दोस्त इसका फोकस पॉइंट भी आपको ठीक ठाक देखने को मिलता है। हालांकि मेरे दोस्त जिस प्राइस रेंज के अंदर आ रहा है थोड़ा सा कम है, क्योंकि इस कैमरा से मैं थोड़ा सा अलग ब्रांड पे जाऊँ, और इससे आधा प्राइस की बात की जाए मेरे दोस्त समझिए आधा ही, तो कैनन R50 को देख लीजिए भैया, अलवेला कैमरा है, आपको 651 फोकस पॉइंट देता है, और 70 से आपको 65,000 के अंदर आपको ये कैमरा देखने को मिल जाएगा किट लेंस के साथ। और ये भैया आपको ओनली बॉडी ही, आपको ST50 आपको सिर्फ 1,25,000, 1,30,000 आपको इंडिया के अंदर आपको अवेलेबल होगा। तो मेरे दोस्त यदि आप लेंस के ऊपर इन्वेस्ट करते हो तो आपको 1,40,000, 1,45,000 रुपया खर्च हो जाएगा, तो खैर बनता है मेरे दोस्त, थोड़ा और फोकस पॉइंट हो सकता था। कैमरा के कंटिन्यू शूटिंग की बात करूं तो इसके अंदर आपको 20 पर सेकेंड आप कंटिन्यू फोटो खींच सकते हो। इलेक्ट्रॉनिक, यदि आप मैकेनिकल शटर का उपयोग करते हो तो आप 8 पर सेकेंड आप कंटिन्यू फोटो खींच सकते हो। जो मैकेनिकल शटर है मेरे दोस्त, आप 20 पर सेकेंड के ऊपर आप यदि यूज करते हो तो थोड़ा सा जो फोटो आएगा मेरे दोस्त थोड़ा सा शेक करेगा, उतना आपको थोड़ा सा क्रॉपिंग भी आपको देखने को मिल सकता है मेरे दोस्त। और ये जो 8 के है मैकेनिकल शटर, उसके अंदर आपको क्लियर फोटो आएगा। ये थोड़ा सा मेरे दोस्त कंटिन्यू शूटिंग भी थोड़ा सा कम है, यहाँ पे थोड़ा सा कंजूसी किया हुआ है फ्यूजी फिल्म के तरफ से। और इस कैमरा के अंदर मेरे दोस्त आपको बॉडी फिल्म और फिल्टर देखने को मिलता है मोड। फ्यूजी फिल्म का कहना है कि भैया इस चीज़ों से मेरा कैमरा ज़्यादा बिकते हैं, जो मेरा बॉडी फिल्म फिल्टर जो है एडिटर वो काफ़ी अच्छा है, आप अलग अलग फिल्टर लगा सकते हो, मुंह को चिकना कर सकते हो, काफ़ी गोरा सुंदर बना सकते हो। तो ये सब चीज़ें मेरे दोस्त, मुझे एक्चुअली में मुझे ये चीज़ नहीं पसंद आता है मेरे दोस्त, क्योंकि कैमरा एक वो चीज़ है जो मतलब मैनुअल में यूज किया जाता है। भैया यदि हमको फिल्टर लगा के यूज करना है तो मोबाइल ले लेंगे, स्मार्टफोन खूब चौपड़ते रहो भैया कि स्मार्टफोन के अंदर फिल्टर पे फिल्टर और एक अच्छा फोटो बनाते रहो, पर मेरे दोस्त कैमरा के अंदर मैनुअल फोटोग्राफी किया जाता है, तो खैर इस चीज़ को थोड़ा सा मुझे उतना नहीं पसंद था, पर ठीक है। और इस कैमरा के अंदर मेरे दोस्त आपको सिंगल ही कार्ड स्लॉट देखने को मिलेगा, दो कार्ड स्लॉट आप नहीं बैठा सकते हो, एक ही बैठा सकते हो। XT5 को देख ले मेरे दोस्त, तो इसको उसके अंदर आपको दो कार्ड स्लॉट आप बैठा सकते थे, इसके अंदर आपको 1 ही देखने को मिलता है, थोड़ा सा यहाँ पे भी कॉम्प्रोमाइज़ किया गया है मेरे दोस्त। और इस कैमरा के अंदर मेरे दोस्त आपको बॉडी स्टेबलाइजेशन भी देखने को मिलता है, अप टू आपको 7 स्टॉपेज देखने को मिलता है, जो मेरे दोस्त अच्छा है ये बॉडी स्टेबलाइजेशन दे दिए, ये काफ़ी अच्छा है, क्योंकि फोटोग्राफी में भी काफ़ी यूज होता है और वीडियो के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा यूजफुल है ये चीज़ सेंसर स्टेबलाइजेशन, ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा। कैमरा की वीडियो की बात की जाए मेरे दोस्त, 6.2K 30p कैमरा रिकॉर्ड करता है, और
4K 60 FPS पे विदाउट क्रॉप कैमरा देता है, और 4K 30 FPS पे कैमरा रिकॉर्ड करता है। फुल HD में आपको 240 FPS पे कैमरा रिकॉर्ड करेगा। हालांकि मेरे दोस्त जो ये FPS है एक काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है इस कैमरा के अंदर। मेरे दोस्त जो इसका वीडियो क्वालिटी है काफ़ी अच्छा निखर के आने वाला है। इसके अंदर मेरे दोस्त आपको एफ लॉक 2 का आपको सपोर्ट देखने मिलेगा। आप प्रो रेसिक और रॉयल वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो, जिससे ये होता है मेरे दोस्त कि आप वीडियो काफ़ी एडिट कर सकते हो। जो इसका कलर है काफ़ी निखर के आएगा, ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा। साथ जो किट लेंस आएगा मेरे दोस्त, इसका आपको 16 mm से लेके 50 mm तक लेंस रहेगा, और एफ 2.8 आपको देखने को मिलेगा और 1.8 देखने को मिलेगा। और इस कैमरा के अंदर आपको इलेक्ट्रॉनिक व्यू फाइंडर देखने को मिलेगा मेरे दोस्त, और इलेक्ट्रॉनिक व्यू फाइंडर काफ़ी अच्छा है, काफ़ी ब्राइट है। इसका रेजोल्यूशन की बात करूँ तो 2.36 मिलियन डॉट का इसका स्क्रीन बना हुआ है, जो काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है। कैमरा की स्क्रीन रेजोल्यूशन की बात करूँ मेरे दोस्त, तो इसके अंदर आपको 1.84 मिलियन डॉट का इसका स्क्रीन रेजोल्यूशन बना हुआ है, जो LCD स्क्रीन है 3 इंच का। और इस कैमरा का वजन की बात करूँ मेरे दोस्त, तो 438 ग्राम का इसका बॉडी देखने को मिलता है। यदि आप किट लेंस स्ट्रैप बैटरी लगाते हो तो 500 ग्राम तक का कैमरा हो जाएगा। काफ़ी कॉम्पैक्ट और काफ़ी लाइट वेट कैमरा है। और मेरे दोस्त ये कैमरा का जो खास बात ये भी है मेरे दोस्त, ये कॉम्पैक्ट है, आप इसको इजीली कहीं भी कैरी कर सकते हो। कैमरा की पोर्ट की बात करूँ मेरे दोस्त, इसके अंदर आपको माइक जैक, HDMI केबल और Type-C देखने को मिलता है, और Type-C के मदद से कैमरा को चार्ज करते हुए यूज भी कर सकते हो। दोस्त इसका जो बॉडी डिजाइन है बहुत ही अच्छा है, काफ़ी प्रीमियम है, काफ़ी अच्छा देखने को लगता है मेरे दोस्त। जैसे पुराने जमाने कैमरा होते थे वैसा ही कुछ आपको डायल देखने को मिलेगा। अपर्चर का अलग, शटर स्पीड का अलग, और इसके अंदर ISO का अलग डायल होता है, तो काफ़ी कुछ इसका अंदर वो है मेरे दोस्त। तो काफ़ी एक आप यदि मैनुअली कैमरा यूज करना पसंद करते हो तो ये कैमरा का आपको जरूर देखना चाहिए। बात करते हैं इस कैमरा की कॉन्स की, और ये कैमरा किसके लिए सूटेबल रहेगा। देखिए मेरे दोस्त, ये कैमरा फोटोग्राफर लोगों को ध्यान में रख के बनाया हुआ है, तो ये कैमरा फोटोग्राफर लोगों के लिए ही शूट करेगा। पर उनमें से मेरे दोस्त फोटोग्राफर लोगों को दो ऐसी बातें हैं, हो सकता है खटके, क्योंकि मेरे दोस्त देखिए इसके अंदर आपको कंटिन्यू शूटिंग 20 FPS तक देखने को मिलता है इलेक्ट्रॉनिक, और साथ में मेरे दोस्त मैकेनिकल शटर आपको 8 FPS तक देखने को मिलता है, और आप थोड़ा और बेहतर हो सकता था मेरे दोस्त। और दूसरा माइनस पॉइंट की बात करें तो इसके अंदर आपको वेदर सील्ड बॉडी देखने को नहीं मिलता है। ये भी फ्यूजी फिल्म को ध्यान देना चाहिए कि यार आप इतना महंगा कैमरा बना रहे हो, फोटोग्राफर लोगों के लिए ही बना रहे हो, तो वेदर सील्ड बॉडी देना ही चाहिए। मान लो यदि आप ब्लॉगर के लिए बना रहे हो तो ब्लॉगिंग में जैसे यहाँ पे कर रहा हूँ, कैमरा को लगा दिए, AC में हूँ, घर के अंदर हूँ, तो कोई दिक्कत नहीं है, काम चल जाता है। पर भैया फोटोग्राफर लोग या कहीं कहीं चलते रहते हैं, कहीं कहीं हर एक एक्शन को कैप्चर करना होता है, स्पोर्ट्स फोटोग्राफर हो, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर हो, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा कैमरा के अंदर रिक्स रहता है, कहीं भी टकरा सकता है, कहीं से पानी पड़ सकता है, तो वो सब चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए फ्यूजी फिल्म को। और मेरे दोस्त यही कंपेयर किया जाए दूसरे ब्रांड से, जैसे कैनन को, तो कैनन को देख लीजिए मेरे दोस्त, कैनन R7 के अंदर आपको वेदर शील्ड भी देखने को मिलता है, और 30 FPS तक आपको कंटिन्यू शूटिंग भी देखने को मिलता है। तो मेरे दोस्त आप फोटोग्राफर हो और ये दो माइनस पॉइंट आपको उतना ज़्यादा नहीं लगता है, उतना ज़्यादा इश्यू नहीं आपको लगता है, तो आप ये कैमरा ले सकते हो, तो फिर आपके लिए बेस्ट रहेगा। और पर इसके अंदर मेरे दोस्त ब्लॉगर की बात कर लें, वीडियो के लिए आप ये कैमरा लेना चाहते हो तो वीडियो के लिए मेरे दोस्त एक्चुअली में FPS तो बहुत अच्छा दिया हुआ है मेरे दोस्त, जैसे कि 6.2K 30 पे कैमरा रिकॉर्ड करेगा, 4K 60 FPS पे कैमरा रिकॉर्ड करेगा, 10 बिट इंटरनल वीडियो रिकॉर्ड करेगा, लॉग प्रोफाइल का सपोर्ट देखने को मिलता है, तो ये सब चीज़ मेरे दोस्त बहुत ज़्यादा सपोर्ट देखने को मिलता है। और साथ में मेरे दोस्त इसके अंदर AI भी का डेवलप किया हुआ है, AI का सपोर्ट भी देखने को मिलेगा, जैसे कि रियल टाइम आई ट्रैकिंग, फेस ट्रैकिंग, बॉडी ट्रैकिंग सब मिलेगा, तो ये सब चीज़ें मेरे दोस्त इस कैमरा के अंदर है। पर भैया सबसे बड़ा जो ब्लॉगर के लिए लोग हटा दिए हैं, जो माइनस पॉइंट बना दिए हैं, ब्लॉगर बिल्कुल नहीं लेंगे इस कैमरा को, मुझे नहीं लगता, और मुझे ये भी नहीं लगता मेरे दोस्त कोई यूट्यूबर कोई ब्लॉगर के लिए कैमरा रिकमेंड करेगा, क्योंकि भाई आप 360 डिग्री रोटेट स्क्रीन नहीं दिए तो ब्लॉगर बिल्कुल नहीं जाएंगे। जैसे कि मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो मुझे भैया 360 डिग्री रोटेट स्क्रीन चाहिए, और मैं इस कैमरा की तरफ नहीं जाऊँगा।
मेरे दोस्त यदि फोटोग्राफर रहता तो हो सकता है काम चल लेता। दोस्त मैंने माना कि फ्यूजी फिल्म एक इकलौता ऐसा ब्रांड है जो भैया फोटोग्राफर लोग बहुत ध्यान रखती है, फोटोग्राफर लोगों के लिए कैमरा बनाती है। जैसे कि इसका बॉडी डिज़ाइन देखोगे अलग अलग पुराने ज़माने के जैसे कैमरा होते थे वैसे ये फ्यूजी फिल्म आज भी बनाती है। पर फिर भी मेरे दोस्त यदि थोड़ा सा 360 डिग्री रोटेट स्क्रीन दे देते तो कोई लुक कैमरा ख़राब नहीं होता और साथ में आपको और भी ज़्यादा अच्छा कैमरा बिकता मेरे दोस्त, क्योंकि साथ में मेरे दोस्त यदि ब्लॉगर ले भी लेते हैं थोड़ा ओवर हीटिंग भी करने के चांस है, क्योंकि कॉम्पैक्ट बॉडी है और आप अलग से स्ट्रैप हैंड भी नहीं लगा सकते हो क्योंकि स्क्रीन हटेगा ही नहीं हो वहाँ बॉडी पर से, तो कैसे आप लगाओगे फैन। तो खैर थोड़ा सा फ्यूजी फिल्म को और बेहतर ध्यान देना चाहिए त्रहल, मुझे ऐसा लगता है। वैसे मेरे दोस्त फोटोग्राफर लोगों के लिए ये कैमरा बेस्ट है, कॉम्पैक्ट है, आप कहीं भी इजीली कैरी कर सकते हो, एक हाथ से भी इसको कैमरा को शूट कर सकते हो। पर मेरे दोस्त यदि आपको मैनुअल फोटोग्राफी करना पसंद है तो लीजिए। फिर भी मेरे दोस्त यदि आप वीडियो के लिए कैमरा लेना चाहते हो और सोच रहे हो भाई मैंने तो बता दिया था कमी और कैसे लूँ, और आपका मन है वीडियो के लिए ही लेना फ्यूजी फिल्म का न्यू कैमरा और इतना प्राइस रेंज के अंदर 1,25,000 1,30,000 के अंदर, तो मैं कहूँगा मेरे दोस्त इसका एक उपाय है कि मोबाइल के अंदर आप वाईफाई ब्लूटूथ से कनेक्ट कर लीजिए कैमरा को और रिमोटली कंट्रोल करिए कैमरा के स्क्रीन, आप मोबाइल के अंदर ले आइए और एक ट्राइपॉड को आप अलग साइड में लगाइए कैमरा को और एक कैमरा के एक साइड में लगाइए, जिससे कि आपको स्क्रीन में आप देख सकते हो अपने आप को कि कैसा मेरा वीडियो कैसा मेरा चेहरा आ रहा है, और कैमरा के स्क्रीन को ज़रूरत नहीं पड़ेगा 360 डिग्री रोटेट का। तो खैर मेरे दोस्त यदि आप ये चीज़ कर सकते हो या फिर HDMI केबल से भी आप कनेक्ट कर सकते हो, साथ में मेरे दोस्त टाइप से सी भी आता है, टाइप सी से भी आप कैमरा को इजीली कनेक्ट कर सकते हो मोबाइल के अंदर। तो खैर मेरे दोस्त यदि आप ये सब चीज़ें कर सकते हो मोबाइल के अंदर कनेक्ट करके और 360 डिग्री रोटेट स्क्रीन बना सकते हो तो बिल्कुल मेरे दोस्तों फिर आप ब्लॉगिंग के लिए भी ले सकते दोस्त, हो। मुझे जो लगा अच्छाई जो लगा बुराई मैंने इस कैमरा को आपके साथ शेयर किया, ऐसा नहीं मेरे दोस्त कि मैं इस कैमरा का अच्छाई ही बताया बुराई नहीं बताया, मैंने अच्छाई बुराई दोनों बताया। वीडियो के लिए भी मैंने बता दिया कि आप कैसे लेते हो तो कैसे काम चला सकते हो, फोटोग्राफर लोगों के लिए तो कैमरा है ही है मेरे दोस्त। माइंड क्लियर नहीं हो पा रहा है, कुछ से निर्णय नहीं ले पा रहे हो तो अपना पर्पस बताइए और अपना प्राइस बताइए, और नए नए कैमरा के अंदर घुसना चाहते हो कैमरा की दुनिया में आना चाहते हो, फ्यूजी फिल्म नहीं और भी कोई ब्रांड चलेगा या फिर फ्यूजी फिल्म आपको ब्रांड पसंद है तो आप कमेंट बॉक्स में बता दो मेरे दोस्त, मैं कोशिश करूँगा आपके निर्णय देने में और निर्णय लेने में हेल्प करने का मैं कोशिश करूँगा। तो चलिए मेरे दोस्त इस वीडियो में इतना ही, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ मेरे दोस्त यदि पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक भी करिए, वीडियो को शेयर भी कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत वंदे मातरम।